Hey guys, welcome back again to a new video. Spyware और वायरस आए दिन मोबाइल फोन्स को या आपके डिवाइसेस को टारगेट करते रहते हैं, मतलब कभी क्रैश कर देते हैं, कभी डेटा लीक हो जाता है, कभी कुछ चुरा लेते हैं, कभी मतलब आपका बिन बताए कुछ खर्चा बना देते हैं। इन सारी चीजों से बचने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग एंटीवायरस डालते हैं, कुछ लोग मतलब बहुत समझदार होते हैं, वो इधर उधर किसी लिंक पे क्लिक नहीं करते, कोई मतलब अननोन सोर्स से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करते। लेकिन बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कुछ टाइम पहले पिगासस आया था, मतलब इतना खतरनाक वायरस है कि जस्ट विद अ मिस कॉल या एक SMS से आपके फोन के अंदर वो एंटर कर सकता है। और यहाँ पे जब बोला जाता है कि आपके आईफोन काफी सिक्योर होते हैं इन टर्म्स ऑफ और इन कंपैरिजन ऑफ एंड्रॉइड फोन्स, तो ये भी वहां पे बात गलत साबित हो गई, बिकॉज ये एप्पल के डिवाइसेस को भी बहुत ज्यादा अटैक कर रहा था। वेल, ये बात इतनी पुरानी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे एक और नया वायरस आ चुका है जो खासकर एप्पल डिवाइसेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, जो कि हो गया आपके आईफोन और आईपैड। और इतना ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद बोला है कि भाई जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो पाए, इस अपग्रेड को आप अपग्रेड करो, अपने आईफोन अपने आईपैड को इस वाले अपग्रेड पे लाओ, नहीं तो आपके साथ मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले केस हो सकते हैं। खतरनाक केस क्या होंगे कि आईफोन का आपका पूरा डेटा क्रैश हो सकता है। तो यहाँ पे जो अपना गवर्नमेंट का आईटी ऑर्गेनाइजेशन है सर्ट इन ने ये बोला है कि भाई जल्दी से जल्दी iOS का जो नया अपडेट आया है, दैट इज 14.7.1, उसको जाके इंस्टॉल करो। तो आई थॉट कि बहुत सारे लोगों के पास ये न्यूज नहीं पहुंची होगी, तो ये वीडियो जल्दी से बनाई जाए और आप तक पहुंचाई जाए कि ये वाला अपडेट जो है इसको अपग्रेड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बेसिकली ये क्या करता है, ये जो वायरस है ये आपके फोन के अंदर किसी भी मीडियम से घुस जाता है, चाहे वो एप्लीकेशन के साथ आ जाए या थर्ड पार्टी से आ जाए या किसी लिंक को क्लिक करने से आए, और यहाँ पे मोस्टली आपके डेटा को इंपैक्ट करता है। अब जहां पे हम बात करते हैं कि यार आपके फोन और आपके आईपैड इतने सिक्योर होते हैं, वहां पे या आपके फोन और टैबलेट के अंदर घुस के वहां पे पूरे सिस्टम को करप्ट कर सकता है और आपका जितना डेटा है उसको क्रैश कर सकता है, आपकी जो सिस्टम OS है उसको क्रैश कर सकता है। एंड इवेंचुअली अगर ये डेटा क्रैश होता है तो आप यहाँ पे कुछ भी रिकवर नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप इस अपडेट को दो, बिकॉज आपके फोन के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो शायद आपने क्लाउड पे सेव ना किया हो और वो मेमोरीज एक छोटे से वायरस से गायब हो जाए, दैट इज वेरी पेनफुल। कैसे करना है, सिंपल, मेरे मोबाइल पे देखिए। आपको जाना है जनरल में, जनरल के अंदर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट, और यहाँ पे अपडेट के लिए चेक करता है और यहाँ पे बता देता है iOS 14.7.1। बेसिकली एप्पल यहाँ पे बोलता है कि ये जो iOS का अपडेट है ये मोस्टली जो फेस ID से फोन को अनलॉक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्पल वॉच, वहाँ पे कोई बग आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, उसके लिए है। बट इसके अंदर वो सिक्योरिटी पैचेस भी हैं जो इस वायरस को आपके फोन के अंदर जाने से और सिस्टम को करप्ट करने से रोकेंगे। कुछ नहीं करना, सिंपल आपको इंस्टॉल करना है और इसको डाउनलोड करना है। अपडेट का जो साइज है वो लगभग 1 GB का है। तो हालांकि एप्पल का हर एक अपडेट काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस वाले केस में पर्टिकुलरली इंडिया गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट खुद आगे बोल रही है कि ये अपडेट आपको करना है। डेट मीन्स दाल में कुछ तो काला है यहाँ पे। सेम विद iPad, अगर iPad में करना है तो आपको इसी तरीके से जाना होगा। अपने डिवाइस में जाइए, सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाइए, अपडेट के लिए चेक करता है यहाँ पे, एंड चेक करने के बाद ये आ गया आपका iOS 14.7.1। तो इसको भी सिंपल डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। तो ये सारा प्रोसेस लगभग यहाँ पे 1 GB डेटा कंज्यूम करेगा और टाइम की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपके 15 से 20 मिनट खाएगा। मेक श्योर कि आपके जो डिवाइस है पावर से कनेक्टेड हो, डेटा इनफ हो, तभी अपडेट करें, नहीं तो हो सकता है वायरस से आपका डेटा करप्ट हो, डेटा की वजह से या फिर पावर की कमी की वजह से डेटा करप्ट हो जाए। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस अपडेट 14.7.1। बहुत सारे बग फिक्स देखने को मिले हैं, बहुत सारे फर्दर अपडेट्स भी हैं डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के लिए, वो आप रीड कर लो और इसको इंस्टॉल कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही अपडेट्स के लिए, और आगे मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।